हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू ARK। तो आज हम RG की म्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब यार मैंने पिछला वीडियो आया था RG के म्यूटेशन के ऊपर, और आज मेरे पास मैक्स RG होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बताऊंगा कि आपको कैसे म्यूटेशन निकालना है। तो उसका सिंपल सा एक वे है, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन शुरू से वीडियो पूरा आप देखना, तभी आपको समझेगा यार कैसे आप किसी भी एनिमल में, मतलब डायनोज में निकाल सकते हो म्यूटेशन इजी तरीके से। तो यहाँ पे मेरे सामने क्रेट्स में आपको दिखा देता हूँ। इस क्रेट्स में मेरा पूरा टेक का सामान भरा पड़ा है, जो एकदम खतरनाक से आप देख सकते हो। बहुत सारा सामान मेरे पास टेक का भरा पड़ा है, क्योंकि डंजन से मैं जो भी सामान लाता हूँ इसमें डालता हूँ। एंड थोड़ी बहुत और क्रेट्स है, उसमें बस थोड़ा मेरा स्टफ्स बचा, जाने की वेपन्स हो गया, आर्मर हो गया, तो वो तो सही है। लेकिन आज हम RG की बात करने वाले, और RG से मेरे को पता चला है कि आपको RG का म्यूटेशन निकालना होगा। तो देखो टाइम तो लगने वाला है इसको, क्योंकि आप मैक्स और फुल्ली म्यूटेड RG नहीं निकाल सकते। उसको आप जितना म्यूटेड करो उतना म्यूटेड कर सकते हो, लेकिन फुल्ली म्यूटेड तब होता है जब दोनों साइड पेरेंटियल एंड मेटल लाइन साइड दोनों 20-20 हो, या फिर हो गया उसको फुल्ली मैक्स म्यूटेड कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन उसे भी आप म्यूटेट कर सकते हो। तो उससे पहले पिछले एपिसोड में हमने टेम किया था स्पाइनो को, एंड उससे पहले हमने किया था ग्रिफिन को। तो स्पाइनो को हमने टेम किया था, और उसका हमने पार्टनर भी टेम कर लिया है। बाय द वे उसका पार्टनर टेम करने में हालत टाइट हो गई, लेकिन कोई नहीं, उसका पार्टनर भी टेम हो चुका है। तो वहाँ पे दो मैंने स्पाइनो के भी ब्रीडिंग शुरू कर दी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ म्यूटेशन नहीं आए, तो चलो उसके बाद बाद में करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इन दोनों की। तो देखो पिछले एपिसोड में हमने इस ग्रीन कलर के स्पाइनो को टेम किया था, एंड ये है मेल, और इसको मैंने टेम किया था। ये फीमेल, इसका मैंने अंडा हैच भी कर लिया, हैच मतलब करवा लिया, लेकिन इतना अच्छा म्यूटेशन निकला नहीं है। और भाई इसका नाम ड्रैगन भाई ने सजेस्ट किया, स्पोक नाम बहुत अच्छा है इसके लिए, मतलब सूट करा है स्पाइनो पे, तो इसका नाम रखते हैं हम स्पोक। स्पोक ही अच्छा था वैसे, लेकिन स्पोक भी अच्छा था, लेकिन ये नाम हमने रख लिया अपने ये स्पाइनो के लिए। चलो फिर अब इसका तो नाम सजेस्ट हो गया, अभी इन दोनों को मैं ब्रीडिंग करवाऊंगा, बहुत सारे इसके म्यूटेशन निकालने वाला हूँ। मैं इसको फुल्ली म्यूटेट तो नहीं करने वाला, लेकिन यार थोड़ा बहुत म्यूटेट इसको करने वाला हूँ, ताकि मेरे को अच्छा खासा डैमेज होने, उसका अच्छा खासा हेल्थ हो सके। तो चलो चलते आज की बात करते हैं अर्जेंट है इसकी ब्रीडिंग की। तो आज मैं उसको ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ, एंड उसको मैं फेरामोन से ब्रीड करवाने वाला हूँ। देखने वाला हूँ कि अपना लास्ट म्यूटेशन कैसा निकलता है, और देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या अलग चीज़ होती है फिर नहीं होती। तो चलो उससे पहले मैंने थोड़े बहुत से म्यूटेशन निकाल के रखे यहाँ पे डर उल्फ के। तो यहाँ पे मेरे को ट्विंस निकले, और ये ट्विंस मेल एंड फीमेल है, ठीक है। तो ये एक बहुत, अगर आपको ट्विंस निकलते मेल एंड फीमेल म्यूटेशन में, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यार एक आपको मेल भी मिल जाता है एंड आपको फीमेल भी मिल जाता है। तो और पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ब्रीडिंग एंड म्यूटेशन में आप कोई भी डायनोज को ब्रीड करो ना, तो फीमेल ही निकालना। अभी फीमेल कैसे निकालनी है, फीमेल ही कैसे निकालनी है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बैरियोनिक से भी ब्रीडिंग में म्यूटेशन पे वीडियो चल रहा है, मतलब उसका चल रहा है, लेकिन वहाँ से कौन आ रहा है भाई, भाई तेरे को क्या चुल मच रही है, हेलो मतलब कतई, मतलब भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे ये लोग आके मेरे डायनोज को मार रहे। अच्छा है तो चलो कोई बात नहीं। ये देखो ये मैंने दो भी मैंने ये कैसे निकाले, इसके मैं पहले आपको म्यूटेशन दिखा देता हूँ। इससे पहले इसका लेवल अप मूवमेंट स्पीड, ओके तो इसका भी लेवल अप शायद से यस आ गया है इसका लेवल अप। तो चलो कर देते हैं फटाफट से इसका लेवल अप मूवमेंट स्पीड, ओके। तो मेरे को दिखा देते हैं इनमें कितने म्यूटेशन आपको कैसे। पहली स्टेप आपको ये करनी है कि आपको कोई भी दो RG पकड़ने, मेल एंड फीमेल, आपको तब तक ब्रीडिंग करवानी है जब तक उसके बच्चे में एक म्यूटेशन लिख के ना आए, 1/20 या फिर 1/20 ऐसा लिख के ना आए, तब तक आपको ब्रीडिंग करवानी है। आप अलग भी कर सकते हो, आप अलग अलग पेरेंट्स से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले एक म्यूटेशन लेके आना है। तो फिर अगर एक म्यूटेशन निकल जाता है तो आपको क्या करना है, समझ लो एक म्यूटेशन निकला है जिसमें वो मेल है, तो आपको क्या करना है, जो पुरानी फीमेल है उससे ब्रीड करवाना है, और उसमें तब तक म्यूटेशन निकला जब तक एक फीमेल निकलना जाए, मतलब एक फीमेल म्यूटेशन में निकलना जाए, तो आपके पास हो जाएगा दो डायनोज RG में, एक मेल एक फीमेल, जो कि जिनमें 1/1 डायनो म्यूटेशन है। तो अभी आपको क्या करना है, अब सिंपल उसका इन दोनों का ब्रीड करवाओगे ना, तो आपको तीन म्यूटेशन मिलेंगे। अभी तीन म्यूटेशन वाला मेल निकला, तो आपको उसी फीमेल से ब्रीड करना है जो कि जिसमें एक म्यूटेशन है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, फिर उससे जो आप ब्रीड करोगे उससे चार म्यूटेशन होगा, चार से फिर अगर चार वाला फीमेल निकला तो आपको पूरा ना मेल लेना है, ठीक है। ऐसे ही करते करते जनरेशन निकालने, जनरेशन के साथ आपका RG म्यूटेटेड होता जाएगा, एंड ऐसे आपको कलर म्यूटेशन भी मिलते जाएंगे। तो यही एक चीज़ जो आप आराम से म्यूटेशन निकाल सकते हो, आप कोई भी डायनोज को ऐसे ही ब्रीड करवाना है, आपकी मर्जी। आप सेम पेरेंट्स रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप अलग पेरेंट्स रख सकते हो, लेकिन आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मेल है एंड जो फीमेल है उनमें ऐसा कुछ
नहीं, लेकिन आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको फीमेल ही निकालना है। अभी फीमेल ही कैसे निकाले उसके ऊपर टॉपिक के बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इन दोनों को मैं बिड ऐसे नहीं करवाऊंगा। इसके लिए मैं फेरोमोन यूज करना चाहूंगा। फेरोमोन से इसका क्या होता है कि जल्दी जल्दी ब्रीडिंग होती है और जल्दी जल्दी हैचिंग भी होती है। म्यूटेशन के 3 into चांसेस होते हैं कि आपको म्यूटेशन निकल सकते हैं बहुत सारे, तो वो एक अच्छी बात है। तो आपको चलो अभी फटाफट करना क्या है, यहाँ पे मैंने शायद से रखा होगा एक कार्निवोर का फेरोमोन। अभी देखो दो टाइप के फेरोमोन्स होते हैं, हर्बीवोर का होता है, कार्निवोर का होता है। तो यहाँ पे मेरे को हर्बीवोर का दिख गया, लेकिन कार्निवोरस का अभी तक नहीं दिखा मेरे को। ओके, शायद से मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा है। तो एक सेकंड कहाँ है भाई, कहाँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखा होगा शायद से। ओके, ये रहा मेरे पास 3 है, मैं एक लेता फटाफट से। एंड मेरे को और एक चीज़ चाहिए, वो है उस बेबी के लिए टॉय, तो ये यो लेते हो मैं उस। और एक चाहिए मेरे को कडल बियर, अभी कडल बियर कहाँ रखा होगा मैंने। ओके, ये इतने सारे एविल वाला लेते हैं, एविल वाला, क्योंकि वो अच्छा होता है, इम्प्रिंटिंग है वो जल्दी जल्दी कराता है, एंड थोड़ी अच्छी नहीं कराता लेकिन टाइम है वो एकदम कम देता है। तो चलो करते इनका ब्रीड शुरू। एंड आपको ये ना ये फीमेल में यूज़ करनी, तो आप चेक कर लो, मेल को मत दे देना, मेल को गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो एक काम करते, इसको देते रिमोट यूज़। अभी देखो ये हो चुके, इसके ऊपर साइन आ चुका है कि भाई इसने फेरोमोन खा लिया है। अभी ये फुल्ली ताकत में एंड फुल्ली स्टैमिना के साथ है, वैसे स्टैमिना को मेल तो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इनका आप रेट देखो ब्रीडिंग का, 4, 8, 12, मतलब खतरनाक रेट चलता है इनका जब आप इसको फेरोमोन खिलाते हो। चलो अभी इनका तो ब्रीड हम होने देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो टाइम तो लगने वाला है इसको बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगने लगता कि कम ही लगने वाला है, क्योंकि यार हमने फेरोमोन जो दिया है इसको 50% तो ये हो ही गया, अभी बातों बातों में 50% हो गया इसका। तो अभी इसका अंडा होगा एकदम खतरनाक सा, एकदम लाजवाब। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ब्रीडिंग कैसे करनी है। मैंने आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार कि आपको पहला स्टेप करनी है कि आपको मेल फीमेल लेनी है, उससे एक म्यूटेशन निकालना है, एंड अगर वो म्यूटेशन वाला मेल निकला तो आपको पुरानी फीमेल से ब्रीड करवाना है, एंड तब तक म्यूटेशन निकालना है जब फीमेल में एक म्यूटेशन ना आए, समझ रहे हो बात को। तो जैसे ही फीमेल में आ जाता है वैसे आपको उन दोनों का ब्रीड करा के मेल में निकालना है। आप फीमेल में निकाल दो, लेकिन आपको फीमेल ही निकालना है। अभी फीमेल कैसे निकाले हर टाइम पे, इजी ट्रिक है। चलो सबसे पहले यूनिकॉर्न को मैं यहाँ पे रखता हूँ साइड में। ओके, यहाँ पे रख जा भाई, क्योंकि मेरे को लगता है यूनिकॉर्न थोड़ा सा काम आता है, ठीक है, थोड़ा सा काम आता है। एंड यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉप अपना सुपर फर्टिलाइज अर्जेंटाइविस एग, तो ड्रॉप करते हैं, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.40 सेकेंड है। तो चलो ये भी जल्दी जल्दी हैच होने वाला है, एकदम जल्दी जल्दी एकदम। तो चलो तब तक बात करते हैं कि कैसे आप फीमेल निकाल सकते हो। देखो जब अंडा हैच होने वाला होगा, जब अंडा को बचा होगा टाइम 10 सेकेंड या फिर आपको 12 सेकेंड, तब आपको क्या करना है, गेम को मैन्युअली सेव करना है, एंड सेव करने के बाद आपको आर्क को लीव करना है, लीव करने के बाद स्लॉट 2 में सेव करना है, ठीक है, स्लॉट 1 में अपनी मेन फाइल रखना है, ठीक है, एंड स्लॉट 2 में सेव करना है। एंड आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से गेम के अंदर जाना है, अगर अंडे में से मेल निकलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, लीव आर्क करना है, कुछ नहीं करना, सेव गयो, लीव आर्क करना है, मैनेज स्टोर सेव एंड रिस्टोर उसमें जाना है, एंड आपको सेकंड वाली फाइल जो है उसको रिस्टोर कर लेना है बस सिंपली। तो आप वहाँ पे आ जाओगे जहाँ पे अंडा हैच होने वाला होगा, तब जब तक आपको ऐसा करना है जब तक फीमेल ना निकल जाए, क्योंकि फीमेल जैसे हो देखो इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मतलब 4-4 घंटे बाद। तो उससे अच्छा एक नई फीमेल ब्रीड करो, जल्दी से वो ग्रोन अप हो जाएगी एंड रेडी टू मेट, मतलब समझ रहे हो बात को, तो वो आराम से मेट करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ऐसे ही करना है यार, ये ट्रिक मेरे को मिथिक एक्स ने बताई, तो यार थैंक यू भाई मिथिक एक्स ये ट्रिक बताने के लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, एंड इससे जल्दी जल्दी आप म्यूटेशन आराम से निकाल सकते हो। तो चलो अभी भाई ये भाई पता नहीं ये किस काम का, ये काम का है भी कि नहीं है, मतलब अंडे उंडे में मेरे को लग तो था, लेकिन अभी भी लग तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या ही लगता है मेरे को ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही। चलो अभी ये होने वाला है अपना हैच, तो देखते हैं भाई अपने को क्या म्यूटेशन निकलता है, यही आरजी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज अपने ये आरजी के लिए खतरनाक सा नाम सजेस्ट कर देना, ठीक है, खतरनाक सा नाम। और भाई साहब ये निकला है फिर से सैंड कलर का, तो ओपी, तो इसको भाई सैंड कलर, तो भाई सैंड कलर का, चलो सैंड कलर है तो बहुत ओपी है ये। चलो फिर अब इसको ये आरजी के लिए अच्छा सा खतरनाक सा ये मैं इसको मैं यूज़ करने भी वाला हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सही में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये मेरा फुल्ली म्यूटेटेड है। देखो यार देख सकते हो कितने सारे म्यूटेशन है भाई, इतने कितने सारे म्यूटेशन है आप देख सकते हो भाई। तो चलो गाइस ये तो है ही, ठीक है, ये एकदम खतरनाक है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है इसका, तो इसके लिए नाम सजेशन होने चाहिए। एंड ये भाई का मांग रहा है रैप्टर के कीवल, तो इसके अंदर हम फटाफट इसको दे देते हैं, इसको जो भी देना होगा। कलर इसका सेम है
और देखो अगर आरजी में अगर आपको दिखे ना कि उसके पंख किसी अलग कलर के, मतलब सैन रेड ग्रीन, तो समझ लो उसमें म्यूटेशन है ना, वो कलर म्यूटेशन है, ठीक है। अगर उसका टोपा अगर होगा ना ऊपर के साइड का लाल पीला नीला, तो समझ लो वो कलर किया है। तो सिंपल सी बात है यार, पता चल जाएगा आराम से। तो इसको हम दे देते हैं फटाफट से, इसको एक चीज़ देनी मेरे को, इसको देना है ये भाई योयो टॉय। ओके जा भाई जा। अब इससे क्या होगा देखो, आपको रैप्टर का जो केबल का टाइम है वो देखो कितना कम हो गया है एंड पहला कितना था। तो आपको यही होता है इसका, आप अगर आप कडल बियर देते हो इसको, तो इसको हम करने वाले हैं फुल्ली इम्प्रिंट एंड फुल्ली मैक्स। तो इससे भाई एकदम खतरनाक सामान करने वाले। चलो अभी आपको होप आपको समझ आ चुका होगा ब्रीडिंग कैसे करने की, सिंपल वे मैं बता दिए, ठीक है। अगर अगर कुछ भी डाउट है ना ब्रीडिंग के ऊपर, तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड में कांटेक्ट करना, डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे कुछ जवाब सवाल जवाब करने, क्यों इन्हें नहीं करना, वहाँ पे सवाल जवाब करने हैं, तो मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट करो एंड मैं आपको आ जाऊँगा। कांटेक्ट एक बार करोगे शायद से मैं ना हूँ, दो बार करोगे शायद से ना हूँ, तीसरी बार मैं ज़रूर से कर लेना, नहीं तो मेरे मॉड को बोलना कि भाई ये वाइपर को बुला, वो मुझको बुला देंगे, मैं ज़रूर आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलो अभी ये मेरे को थोड़े से एरी कांडी चाहिए, एरी कांडी इधर करने की ज़रूरत नहीं, तो भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसी मैं मज़े में ले रहा हूँ मैं, मतलब। तो चलो अभी ये ले लिए थोड़े से इधर कैंडी। देखो पहले बोल रहा हूँ अभी तक समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मेरे को डिस्कॉर्ड में बोल देना या फिर कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हमें हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एकदम आराम से हिंदी भाषा में समझा दूंगा कि भाई कैसे आप म्यूटेशन निकाल सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको दो मेल फीमेल लेने हैं, उनका ब्रीड करवाना है, तब तक ब्रीड करवाना है, तब तक अंडे हैच करने। आराम खोर, आपको नहीं बोला भाई, इसको मैंने केबल दिया ना, ये क्यों नहीं हुआ ये भाई, तू हरामी है भाई, तू हरामी है भाई, गलत सीन करवाता है भाई तू यार। अभी तेरे लिए मेरे को पता है अलग से स्टेप स्टेशन लेना पड़ेगा। अरे यार मैं इसका भी अलग ही नाटक है। चलो फिर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको मेल फीमेल लेना है, ठीक है। और जब तक ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करके अंडा हैच करके, जब तक आपको बच्चे में एक म्यूटेशन ना दिखे तब तक वही चीज़ कंटिन्यू करनी है। एंड समझ लो बच्चे निकल गया, बच्चा मेल है और उसमें एक म्यूटेशन है, तो आपको क्या करना है, उसको बड़ा करना है, उसकी जो एक इनडायरेक्टली जो पुरानी फीमेल जो आपने ब्रीड करा है उससे आपको ब्रीड करवाना है इसे, और तब तक ब्रीड करना है तब तक एक फीमेल फीमेल ना आए। और मैं आपको पता हूँ फीमेल की ट्रिक, मेल फीमेल आपको अगर कोई चाहिए, ये मेरे को फीमेल नहीं चाहिए मेल चाहिए, तो मैं आपको ट्रिक तो बता ही दिए। तो आप उसमें म्यूटेशन निकालना है एंड फिर हो जाएगी आपके पास एक एक म्यूटेशन वाले आरजी, उनको ब्रीड करवा के आपको आपको डेफिनेटली तीन म्यूटेशन वाला आरजी मिलने वाला है। अभी ऐसे स्टेप कंटिन्यू कर करके एक से, दो से, चार से, आठ से, बारह से, चौबीस से, 42 से, 62 से, 108 से, ऐसे म्यूटेशन बढ़ते जाते हैं। तो उसी के बीच में आपको कलर म्यूटेशन भी मिलता है, समझ रहे हो ना, उसी के बीच में आपको कलर म्यूटेशन मिल जाता है। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यार इतना मैंने एक्सप्लेन किया आराम से। तो चलो अभी ये आरजी के लिए नाम सजेस्ट करना मत भूलना एंड नेक्स्ट वीडियो है Q&A का, तो हो जाए एक बार चैट में #Q&A। और भाई मैंने एक सवाल करने के लिए पूछा, एक बंदा 10-10 सवाल पूछ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। एंड चलो गाइज अभी आज के एपिसोड के लिए इतना ही, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो चलो गाइज हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। We'll be right back.